तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया हुआ, ये जो वीडियो रहने वाली है ये एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि खास तौर की यूक्रेन में जिन्होंने एडमिशन लिया था 2021 ऑनवर्ड्स। तो आप सभी को पता ही है कि वॉर की वजह से काफ़ी बच्चे जो हैं वापस नहीं जा पाए या कंटिन्यू नहीं कर पाए अपनी स्टडी, तो काफ़ी बच्चे ऑनलाइन स्टडी की तरफ चले गए, काफ़ी बच्चों ने एकेडमिक लीव तक ले ली। तो बहुत टाइम से इस चीज़ को लेके काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे थे, बहुत सारी मीटिंग्स हुई और कल फाइनली बहुत ही एक अच्छा डिसीजन आया एनएमसी की तरफ से। तो जो भी वो बच्चे थे जो 2021 गाइडलाइंस के अंडर आते थे उनको ट्रांसफ़र पहले नहीं अलाउड था अकॉर्डिंग टू द गैजेट। तो अभी क्या हुआ है उनको एज अ वन टाइम मेजर, पहले भी ये हुआ था। जैसे जब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं 2019 बैच का स्टूडेंट हूँ तो हम पे वो गाइडलाइंस नहीं वैलिड होती थी तो हमें ट्रांसफ़र के लिए अलाउड कर दिया था एज अ वन टाइम मेजर। तो वो जब रिलीज़ हुआ था वो था 15 सितंबर 2022 को, उसी चीज़ को एक्सटेंड करते हुए एनएमसी ने कल पब्लिक नोटिस में ये कहा है कि एज अ वन टाइम मेजर जो भी बच्चे अभी ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और वो जहाँ भी ट्रांसफ़र लेंगे या माइग्रेशन करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में वो करेंगे वही यूनिवर्सिटी उनको फाइनल डिग्री अवार्ड करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय स्टेप है जो एनएमसी ने लिया है एंड आई अप्रिशिएट दिस। टाइम जरूर लगा पर एज यू नो बच्चों ने बहुत मेहनत की, पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की और उस चीज़ का रिजल्ट आया हमारे सामने। तो पर इसमें एक छोटी ही चीज़ उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करी है कि ये जो जैसे कल ये पब्लिक नोटिस हुआ, कल 22 नवंबर 2023 को, तो उन्होंने ये मेंशन किया है कि आपको विद इन 3 मंथ्स ऑफ पब्लिश्ड डेट आपको ट्रांसफ़र लेना होगा या माइग्रेशन लेना होगा। मतलब आपके विद इन 3 मंथ्स आज से या कल से आपको अपना कहीं ना कहीं पर एडमिशन या ट्रांसफ़र या माइग्रेशन आपको सक्सेसफुली लेना होगा। इसके बाद अगर आप लेते हो तो आप इस स्कीम के बिल्कुल भी बेनिफिशियरी नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें। अब ये मैंने इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अभी बहुत सारी कंसल्टेंसी वगैरह बच्चों को यहाँ पे बहुत इजीली बोलती हैं कि आइए हम आपका एडमिशन जॉर्जिया में करा देंगे, यहाँ करा देंगे, वहाँ करा देंगे। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बेसिकली ट्रांसफ़र एडमिशन्स के लिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, मैं भी उस फेज से निकला हूँ जब मुझे चूज़ करना था कि मेरे को ट्रांसफ़र कहाँ लेना है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी जॉर्जिया जैसी कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे 6-6 महीने भी लगे हैं बच्चों को, मेरे साथ वाले क्लिक्स को एडमिशन लेने में। वहाँ पे आपका एडमिशन लेटर तो आ जाएगा 10-15 दिनों में, पर आपका वीज़ा आने में और आप कब वहाँ पे जाके पहुँचोगे, क्योंकि आपका एडमिशन तभी माना जाता है जिस दिन एडमिशन लेटर लिखना है तब से नहीं माना जाएगा, जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे फिजिकली, आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी उस कंट्री में, आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा उस यूनिवर्सिटी के साथ, तब आपका एडमिशन माना जाएगा। तो इस चीज़ से ज़रूर बचें। ये फ्रॉड जैसे ही देखो कोई भी एनएमसी की तरफ से गैजेट आता है तो अपॉर्चुनिस्टिक जो भी बंदे बैठे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रॉड और स्कैम होते हैं। तो इस चीज़ से बचना, प्लीज़ सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी वेरी वाइजली, ये लास्ट मौका है आपके पास, बहुत ही अच्छा मौका है इनफैक्ट आपको अपनी डिग्री बचाने का। तो प्लीज़ सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। और मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैंने भी बहुत रिसर्च करी थी अपने टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, तो करंटली सबसे ज़्यादा जो अभी इनफ्लो चल रहा है बच्चों का रशिया में चल रहा है, उज़्बेकिस्तान में चल रहा है, किर्गिस्तान में चल रहा है। पर मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, रशिया करंटली वॉर टॉर्न कंट्री है, चाहे अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं आई है वॉर बंद हुआ नहीं हुआ, तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान में रखें। प्लस वहाँ पे किसी भी तरह का पेमेंट मेथड काम नहीं कर रहे हैं, कोई बैंक ट्रांसफ़र नहीं काम कर रहे हैं, एजेंट्स ही हैं जो आपको करेंसी कन्वर्ट करा के दे रहे हैं, और अगर वो भी मना कर दें तो इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे वहाँ पे अपना गुजारा करेंगे, कैसे आप फीस भरेंगे, क्योंकि कोई भी वहाँ पे मीडियम सिस्टम नहीं है। बच्चे अगर पैसे वहाँ पे निकलवा भी रहे हैं तो वो ट्रेडिंग एप्स के अंदर पैसे डाल के इंडियन रुपीज़ से, और जो उनको ट्रेडिंग ऐप से रेट मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब फिजिबल नहीं है, जो नॉर्मल मार्केट रेट होता है कन्वर्जन का उससे बहुत ज़्यादा हटके रेट होता है, तो उस चीज़ को माइंड में रखिए। प्लस अभी भी मैं ये चीज़ बोलूँगा वो वॉर टॉर्न कंट्री है, कभी भी वहाँ पे कुछ भी हो जाए कोई गारंटी नहीं लेता उस चीज़ की, एजेंट्स आपको कुछ भी बोलेंगे, प्लीज़ कीप इन दैट माइंड। दूसरी बात, अगर बात करें किर्गिस्तान वगैरह, तो वहाँ पर 5 ईयर कोर्स है,
अगर आप ऑलरेडी 6 ईयर कोर्स में थे, 5 ईयर कोर्स में जाते हैं, इस चीज़ को लेके अभी तक एनएमसी ने कोई भी गाइडलाइन या कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। तो प्लीज़ अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है, तो अगर आपने 6 ईयर एडमिशन 6 ईयर कोर्स में एडमिशन लिया था, तो आप प्लीज़ 6 ईयर में ही ले। जैसा आपका कोर्स चल रहा था, अगर जैसे यूक्रेन में मोस्टली बच्चों का MD प्रोग्राम जो होता है, जो कि इक्विवेलेंट टू MBBS होता था इंडिया में, है ना, उसमें एडमिशन लिया होता था, तो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें जहाँ पे ये प्रोग्राम अवेलेबल है। तो मैंने चूज़ किया था फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को। यहाँ पे मेरा बिना किसी सेमेस्टर बैक के, बिना किसी क्रेडिट स्कोर के डिफरेंस के मेरा एडमिशन हो गया था, और टीचरों ने भी काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि एकदम से जब आप कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट करते हो, सबसे बड़ा बैरियर रहता है लैंग्वेज का, सब्जेक्ट्स का। वहाँ के आगे वहाँ पे जब आप शिफ्ट करते हो, तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, कैसे वो बच्चे को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ मिला मेरे को टीचरों का, इवन अभी भी मैं, मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पर, और क्लासेस का मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मेरे को, खासतौर की क्लिनिकल अगर एस्पेक्ट्स की मैं बात करूँ। खैर इन सब चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि क्यों आप फरगाना चूज़ कर रहे हैं। मेरे चैनल पर आपको 2-3 स्पेसिफाइड वीडियो मिल जाएंगी कि फरगाना यूनिवर्सिटी क्यों बेस्ट है। फिर भी मैं सुपरफिशली आपको मेंशन कर देता हूँ, NMC वेरीफाइड, मतलब NMC वेरीफाइड इन द सेंस कि NMC की सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। क्लिनिकल एक्सपोजर फार बेटर देन एनी यूनिवर्सिटी सो फार, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। इंडिया से बहुत पास में है, 3.5 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट रहती है यहाँ पे उज्बेकिस्तान में। इंडियन टीचिंग फैकल्टी आपको मिल जाएगी, और इंडियन मैथ्स वगैरह, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और तो आप बेझिझक किसको चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही कल पब्लिक नोटिस आया था, हमारी यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को गौर में रखा, और उन्होंने भी नोटिस निकाला है कि हाँ, आप जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले सकते हैं। ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स का एडमिशन अभी भी स्टार्ट है हमारी यूनिवर्सिटी में। और फरगाना के लिए मैं स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने अपना एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट किया था, मैंने लास्ट ईयर 2 अक्टूबर को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे यहाँ की मैनेजमेंट के पास, एंड बिलीव मी 17 अक्टूबर को मेरा वीज़ा मेरे पास आ गया था। तो विद इन 15 डेज आई गॉट माई वीज़ा। सो आपका ये प्रोसीजर लेंदी नहीं होने वाला है यहाँ की यूनिवर्सिटी में, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। विद इन 15 to 20 डेज योर ऑल डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम एडमिशन लेटर टू इन्विटेशन टू वीज़ा टू फ्लाइट ऑल विल बी क्लियर। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 20-30 बच्चों के बैच के साथ ही भेजा जा रहा है। अभी रिसेंटली अगर 4 बच्चे 5 बच्चे जिनका भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता जा रहा है, दे आर कमिंग वाया, अब तो इंडिगो फ्लाइट भी आ गई है, तो इन सब चीज़ों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपको एडमिशन लेना। फर्दर मैं आपको नीचे एक नोटिस भी मेंशन कर दूंगा कि जहाँ पे ये चीज़ें मेंशन हुई हैं कि आपको 1-time measure के तौर पर ट्रांसफ़र अलाउड कर दिया है, और हमारी यूनिवर्सिटी में अगर आपको किसी भी तरह से एडमिशन में या माइग्रेशन में किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए होगा, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगी, आप कभी भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, माइग्रेशन के रिगार्डिंग। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप चैनल पर नहीं हैं। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक या जो भी अपडेट्स जो आती हैं, मैं उनके रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं वो हर तरह के फ्रॉड, स्कैम्स, इन सब चीज़ों से बचते रहें, और वो अवेयर रहें कि क्या उन्हें नेक्स्ट स्टेप लेना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।